हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। आवाज क्लियर है? ठीक जी मैम। है। ना लेट आते हो ना तुम लोग, सारे 9 बजे तो सारे आ जाया करो। तुम लोगों के वेट में ना 5-10 मिनट वैसे ही लेट हो जाते हैं। तो 2 मिनट तक वेट कर ले, सब आ जाए, फिर स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। आज का लेक्चर भी थोड़ा लंबा है, लेकिन इजी सा है, छोटा छोटा सा। हर स्लाइड के ऊपर मैंने एक एक लाइन लिखी हुई है, इतने वो नहीं है। इतनी ज्यादा स्लाइड्स देख के भी होश में सो जाना। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नी जॉइंट। अब जिस तरह हम लोगों ने कहा था, हम रीजन वाइज सारे रीजन को डिवाइड किया हुआ है 3 उसमें, के सबसे पहले हम उस रीजन की एनाटॉमी कवर करेंगे, देन हम लोग उसकी जो है कुछ पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड टेक्निक उस रीजन की पढ़ेंगे। तीन तीन जो लेक्चर्स हैं वो एक रीजन को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो रीजन है वो सिलेक्ट किया है। सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे। इसकी एनाटॉमी भी थोड़ी सी जो है ना इसमें डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ी सी लंबी है। इसके अंदर जॉइंट्स हैं, जॉइंट इतना बड़ा है, इसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड है। फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, लिगामेंट्स कौन से हैं, टेंडन्स कौन से हैं, मसल्स इसके अंदर कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना आज इसमें कवर करनी है। सिर्फ एनाटॉमी है जो कि आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और सिर्फ एक रिवाइज करने वाला जो है ना वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिन जिनकी एनाटॉमी अच्छी है उनको तो बस रिवाइज ही करना पड़ेगा, जिनकी एनाटॉमी जो है वो थोड़ी ऐसी ही है कि हर दफा दोबारा से याद करना पड़ता है, उनके लिए सिर्फ एक रिविजन है, ठीक है। तो आज सिर्फ एनाटॉमी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना इससे एसोसिएटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं नी जॉइंट की, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। और एक लेक्चर वैसे ही मेरा ख्याल आपका सैटरडे का जो है छुट्टी की वजह से ज़ाया हो गया है, और नहीं हुआ पीछे रह जाओगे मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा, फिर अभी आई एम नॉट श्योर, लेकिन सुना है सैटरडे से फिर लॉकडाउन लग रहा है और क्लासेस फिर नहीं होंगी। वो तो आपकी क्लासेस ही नहीं होंगी, 8 से स्टार्ट हो रहा है शायद, और वो सैटरडे ही आ रहा है, देना आपके फिर वही क्लासेस हो जाएंगी पीछे। तो इसलिए हम लोग कंप्लीट जल्दी करेंगे। पहले मेरा था इरादा कि इस एनाटॉमी को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोई नहीं, छोटे एनाटॉमी है, रिवाइज करनी है, जल्दी जल्दी से कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं आपको सारी स्लाइड्स पढ़ने से पहले ना एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, उससे सारी एनाटॉमी आपकी ना रिवाइज हो जाएगी, और फिर सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स को रीड करेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा कि हमारे नी जॉइंट में बेसिकली है क्या क्या चीजें, ठीक है। मेरा कैमरा ऑन हुआ है? अच्छा, नी एनाटॉमी को जो है ना सबसे पहले पढ़ने के लिए हमने ना उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जिस तरह पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने जब भी अल्ट्रासाउंड करना है
मस्कुलोस्केलेटल उसके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं ठीक. नंबर वन इज द बोनी स्ट्रक्चर, जितने भी हम उस ज्वाइंट के अंदर बोन्स हैं उसको कवर करेंगे. उसकी सरफेस देखते होते हैं, इज इट कंटिन्यूस सरफेस और उसके अंदर इरेगुलरिटी है ठीक है. वो चीज अगर उसके अंदर फ्रैक्चर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई इरेगुलरिटी आ जाएगी, उसकी सर्फेस जो है वो स्मूथ नहीं रहेगी ठीक हो गया. फिर उसके अलावा डीजेनरेटिव चेंजेस हैं कुछ बोन्स की, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो बोन्स हैं वो उसके जो है ना क्या कह सकते हैं उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल उसकी सर्फेस स्मूथ नहीं रहती. उसके अंदर छोटे छोटे से जो कहते हैं ना, एक तो ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे, एक उसके अंदर जो क्या मतलब थोड़ी सी ना वो डीजेनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं ठीक हो गया. वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहती सर्फेस हमारी ठीक बोन के अंदर ये हमारे. और हमने देखा था सिर्फ हम सर्फेस को ही देख सकते हैं, पोस्टीरियरली बोन के हमेशा अल्ट्रासाउंड के ऊपर शेडोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम पोस्टीरियर स्ट्रक्चर इतने अच्छे से क्लियरली नजर नहीं आते हैं, वो नहीं देख सकते हैं. इसलिए फॉर द बोनी प्रॉब्लम हम लोग एक्सरेस को रिकमेंड करते हैं कि एक्सरेस किए जाए और हम लोग बोनी स्ट्रक्चर को उस पर देखते हैं ठीक है. मस्कुलोस्केलेटल के अंदर सिर्फ हम जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो वाली प्रॉब्लम्स जो कि एक मूवमेंट की वजह से हम लोगों को पेन कॉज करती हैं या मूवमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है उनका स्कैन कर सकते हैं. मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड इज फॉर द डायनामिक इमेजिंग ठीक है. और उसके अलावा जो है ईजी अप्रोच है ठीक है. वो सारे हमने पॉइंट्स उसमें सारे कवर कर लिए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि किन किन प्रॉब्लम्स में हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करेंगे ठीक है. तो नी अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ेंगे. तो एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग इनको कैटेगराइज करेंगे तीन में. एक नंबर वन आ गया नी ज्वाइंट में बोन्स कौन सी इन्वॉल्व करेंगे ठीक है. सबसे पहले हम बोन्स पढ़ेंगे ठीक. फिर नंबर टू पे आ जाएगा, हमने क्या पढ़ा था कि हमने कुछ लिगामेंट्स पढ़े थे कि लिगामेंट्स का क्या रोल होता है और लिगामेंट्स क्या होते हैं. लिगामेंट्स क्या होते हैं जो बोन्स को यूनाइट करेंगे वन बाय वन, हम उस तरह हम लोग सारी एनाटॉमी कवर कर लेंगे. बोन्स के बाद हमारे पास आ गए लिगामेंट्स ठीक है. लिगामेंट्स का क्या रोल था, लिगामेंट्स ज्वाइंट्स द बोन. फिर हमारे पास क्या था, टेंडन्स थे. टेंडन्स का क्या है, वो क्या करते हैं जो मसल्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं किसके साथ, बोन्स के साथ ठीक हो गया. फिर हमारे पास थे कुछ मसल्स ठीक है. वो हम लोग इसमें देखेंगे कौन से मसल्स हैं, क्योंकि मसल्स का हमें फंक्शन पता होना जरूरी है. बिकॉज समटाइम्स पेशेंट आपके पास कंप्लेन के साथ आएंगे कि हमारा जो है एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी फ्लेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी थोड़ी सी रोटेट करता हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है ठीक है. इस तरह जैसा स्कैपुला या शोल्डर ज्वाइंट का अगर प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट कंप्लेन करता है जब मैं हाथ उठाता हूँ जब भी या फिर तो जब भी काम करने लगता हूँ तब मुझे प्रॉब्लम होती है. तो वो जब आपको सिम्टम्स बताएगा आपने तभी हम बता सकेंगे कि यह इसको एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, इसको फ्लेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है. तो ये वाले मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये वाले मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं ये ठीक है. तो आपको मसल्स का फंक्शन पता होना चाहिए कि ये मसल इज फॉर दिस ठीक है. मसल्स हो गए हमारे नीचे. और उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये एक ज्वाइंट है. आपको पता है ना ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है ठीक है. तो ये एक बड़ा ज्वाइंट है नी ज्वाइंट जो है इसका, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड हो गया ठीक है. फिर हमारे पास क्या है इसके अंदर और क्या है, इसके एनाटॉमी में पढ़ेंगे हम लोग. अगर कोई इसके अंदर फॉरेन बॉडी या कोई अगर इंफ्लेमेशन की वजह से डेब्रीज नजर आ रही है वो हम इस फ्लूइड के अंदर ही पढ़ेंगे ठीक है. इन्फ्लेमेशन के अंदर कैसे स्वेलिंग हो जाती है, कैसे हम लोगों को अल्ट्रासाउंड के ऊपर नजर आता है एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. अल्ट्रासोनोग्राफिक साइन मैंने शायद आपको अल्ट्रासाउंड के उसमें लेक्चर रीजनल में भी पढ़ाया हुआ है, जर्नल में भी बताया हुआ है. डॉपलर अल्ट्रासाउंड जब हमने पढ़ा था कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तब हम लोग जब अगर डॉपलर स्कैन करते हैं तो उसके अंदर तीन साइन हमें मिलते हैं. नंबर वन इज द स्वेलिंग ठीक है, उस जगह की स्वेलिंग हो जाएगी. और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को पॉइंट मिलता है टू डिटेक्ट आया इसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, वो क्या है, हमारा जो डॉपलर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा. डॉकलर डॉपलर उसके अंदर हम लोगों को फ्लो इतना ज्यादा मिलेगा डेट विल शो कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है ठीक है. इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. हाइपर वेस्कुलरिटी उसको कहते हैं ठीक है. वो स्ट्रक्चर हाइपर वेस्कुलराइज हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. तो ये एक साइन है डॉपलर स्कैन के ऊपर टू डिटेक्ट इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया. अच्छा अब नी ज्वाइंट के ऊपर अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले आ गया हमारी बोन्स. बोन्स को सब थाई के ऊपर कौन सी बोन होती है, ठीक है रफ रफ तो मैं बना रही हूँ समझ आ रही है. ऊपर होगी हमारे पास फीमर ठीक है. ये बोनी स्ट्रक्चर सारी एनाटॉमी एक दफा इस तरह देख लो तो आप लोग सिर्फ अब इसके बाद इसको
अब वो पढ़ोगे, रीडिंग करोगे तो आपकी सारी पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या सोर्सेज होते हैं, हम लोगों को ब्लड सप्लाई नहीं पढ़नी, हम लोगों को कोई जो है ना लिम्फैटिक ड्रेनेज और इस तरह की चीजें नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ ये चार चीजें पढ़नी है, बोन्स, हमने लिगामेंट्स और हमने टेंडन, उसके अलावा मसल्स पढ़ने। फीमर, ठीक है, मीडियल साइड पे कौन सी बोन होती है लेग में? ये हमारे पास हो गई तीन बोन्स, ठीक। फिर हमारे पास एक छोटी बोन यहाँ पे होती है फीमर के एंटीरियर, ठीक हो गया। ये हो गई हमारे पास बोन्स, ठीक। अब इनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम आगे देखेंगे। देन हमारी बोन्स को अब हमने यूनाइट करना है विद लिगामेंट्स। अब नी के अंदर कौन सा लिगामेंट्स है? नंबर वन पे हम आ जाओ, साथ पे कोलेटरल लिगामेंट्स। कोलेटरल लिगामेंट्स जो साइड्स पे लिगामेंट्स हैं उनको कोलेटरल लिगामेंट्स कहते हैं। जो मीडियल साइड पे होगा उसको क्या कहेंगे? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। और जो लेटरल साइड पे होगा उसको कहेंगे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। दोनों साइडों से यूनाइट कर ली बोन्स। अब देखो इसके अंदर कुछ बोन्स, अब इतना बड़ा ज्वाइंट है, ठीक है, एक लिगामेंट या दो लिगामेंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सारा का सारा वेट हमारा जो है ज्यादा वो है नी ज्वाइंट के ऊपर ही। फिर हमारे पास कुछ लिगामेंट्स हैं जो क्रॉस में हमें, ठीक है, वो क्रॉस वाले उनको कहते हैं क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, क्रॉस में है। तो हमारे पास दो लिगामेंट, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, ठीक है, वो हमारे बैक साइड पे पड़े होंगे। जो एंटीरियर साइड पे होगा उसको कहेंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो पोस्टीरियर साइड पे है उसको कहेंगे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ओके, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लिगामेंट कोलेटरल लिगामेंट। अब हमारे पास हो गया क्रूशिएट लिगामेंट। तीन लिगामेंट और इसके अंदर होते हैं, वो क्या होता है, एक वाई शेप लिगामेंट होता है, ठीक है, वो हमारे पोस्टीरियरली पड़ा होता है यहाँ पे, वो भी हम देखते हैं। दो लिगामेंट और इसके अंदर है, ठीक। इसके अलावा हो गए लिगामेंट सारे कंप्लीट हो गए जिनको बोन्स ने ज्वाइन कर लिया। एक हमारे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेंडन होता है। ये क्वेश्चन भी है, मैं पूछती रहती होती हूँ बार बार वाइवा के अंदर, नी के अंदर एक ऐसा टेंडन है जो लिगामेंट भी है, वो कौन सा है? पटेलर। पटेलर, बिल्कुल, एग्जैक्टली, गुड, ठीक है। अब वो क्या है पटेलर लिगामेंट, बनता कैसे है? हमारे जो इंटीरियर थाई के ऊपर मसल है, सबसे बड़ा मसल यहाँ पे जो यहाँ पे है वो कौन सा है? क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, ये आ रहा है क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप मसल्स की आगे कॉन्टिन्यूशन है जो कि बना रहा है टेंडन जो पटेला के साथ अटैच करेगा, ठीक है। तो मसल बोन के साथ अटैच हो रहा है, इसको कहते हैं पटेलर टेंडन। और यही जो फिर आगे आगे ये बोन है ना, बोन से बोन की अटैचमेंट लिगामेंट होता है, तो ये फिर आगे बन जाएगा पटेलर लिगामेंट, ठीक है। ये मसल आया, कंटिन्यूशन है क्वाड्रिसेप मसल की, टेंडन बना, टेंडन अटैच विद द बोन, ठीक है, देन बोन टू बोन अटैचमेंट इज लिगामेंट। तो यहाँ पे जो बनेगा वो हो जाएगा पटेलर लिगामेंट, क्लियर है? लिगामेंट। तो ये हमारी एनाटॉमी यही सारी है जो हमने आज कवर करनी है। उसके बाद हम लोग कुछ इसके मसल्स के नाम से भी याद कर लेंगे, कौन से हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, कौन से हमारे पास मसल्स भी, हम लोगों ने इसमें से ट्रीट करना है, नाम याद कर लेना। और ये हमारी नी की सारी एनाटॉमी आज खत्म। इतना सा लेक्चर है, कोई मुश्किल है? नो मैम। तो अब जल्दी जल्दी से इसको रीड करते हैं, जो चीज मैंने अभी बताई है बोनी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें लिगामेंट्स देख लेंगे। नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जहां पे प्रॉब्लम लगे वहीं पे मुझे रोक के पूछ लेना, वैसे इसमें कुछ नहीं है, रीडिंग करनी है सारे, वही हमारी एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं। नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द बॉडी साइनोवियल जॉइंट इन एथलीट सस्टेनिंग मोस्ट ऑफ द इंजरीज, ठीक हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स ऑफ द डिस्टल फीमर femur which articulate with the medial and lateral condyles of the proximal tibia, ठीक है। femur कैसे अटैच होगा tibia के साथ, दोनों हमारे sides पे देखे ना condyles होते हैं, आगे मैं picture में दिखाऊंगी, ठीक है, sides पे condyles अटैच करेंगे उसके साथ, ठीक है। एक और चीज बताना, मैं दिखाना वो भूल गई, कि इसके अंदर joint के अंदर हमारे पास meniscus भी होते हैं, ठीक है। वो meniscus कहाँ पे अटैच होते हैं, रुको, ये जो हमारे ये ऊपर से फीमर, फिबुला, टिबिया, यहाँ पे हमारे पास ऊपर दो मेनिस्कस होते हैं जिसके ऊपर आके जो बोन है ना वो अटैच होती है, ठीक है। जो मीडियल साइड पे होगा उसको कहते हैं मीडियल मेनिस्कस, जो लेटरल साइड पे होगा उसको कहेंगे लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। मेनिस्कस बताना मैं भूल गई थी, ठीक हो गया। कंडाइल्स ये हो गया, ठीक है, लेटरल मीडियल, ये लेटरल और ये मीडियल, मीडियल कंडाइल्स अटैच विद द टिबिया, ठीक है। यही बात बता रहा है कि किस तरह हमारी बोन्स की अटैचमेंट्स होती है।
It consists of medial and lateral condyles of distal femur, which articulates with the medial and lateral condyles of the proximal tibia. ठीक हो गया. In addition to these, femur articulates anteriorly with the patella to form a gliding joint. ठीक है, bones हमने देख ली है ऊपर. ये हमारे पास femur bone है. ये इसके कुछ parts आपने anatomy में पढ़े हुए हैं. हमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं देखनी है कि कौन सी चीज किस तरह होती है, groove कहाँ पे है, greater to plantar होता है, ठीक है, head है. ये सारी चीजें आप लोगों ने anatomy में कवर की हुई है, लेकिन ये अभी musculoskeletal ultrasound के अंदर हमें इतनी नहीं देखनी बोन को कि किस तरह बोन नजर आती है. मेन मेन देख लिया है बोन कैसे ज्वाइन होती है, बोन कौन कौन सी होती है इसके अंदर, ठीक है, और किस तरह वो किस साइड पे होती है. ठीक है, लेग के अंदर हमारे जो मीडियल साइड पे टिबिया है और लेटरल साइड पे फिबुला है. ये देख रहे हो ऊपर इसके जो मीडियल कंडाइल है वो यहाँ पे टिबिया के मीडियल कंडाइल के यहाँ पे आके अटैच करेगा. यहाँ पे इंटर कंडाइलर एमिनेंस मतलब थोड़ी सी इसके अंदर डिप्रेशन सा होता है. जो कंडाइल फीमर की है वो इधर आके उसमें फिक्स हो जाते हैं. ठीक है, और ये लेटरल कंडाइल के लिए यहाँ पे एमिनेंस. ठीक हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया हेड, हो गया फिबुला, टिबिया, इंटीरियर, ठीक है, मैलुलस आ गए दोनों, मीडियल और लेटरल. ये बोन हम लोगों ने सिर्फ इतनी ही पढ़नी है बोन के लिए. फिर आ जाओ लिगामेंट्स. लिगामेंट्स मैंने भी आपको बताया कौन कौन से लिगामेंट है. नंबर वन इज द पटेलर लिगामेंट, दैट इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पटेलर टेंडन. ठीक है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस आगे किसमें कन्वर्ट होगा, पटेलर टेंडन, और वो किसके साथ अटैच होगा, पटेला बोन के साथ. एंड देन बोन टू बोन अटैचमेंट इज द लिगामेंट, और वो ही पटेलर टेंडन इज कन्वर्टिंग इनटू पटेलर लिगामेंट. ठीक है, फिर हमारे पास ओब्लीक पोपलीटियल लिगामेंट है और आर्कुएट पोपलीटियल लिगामेंट. ये मैं दो लिगामेंट तीन बता रही थी जो कि अदर देन वो जो मैंने आपको दिखाए हैं उसके हैं. एक है पटेलर लिगामेंट, एक ओब्लीक और एक आर्कुएट. आर्कुएट बाय शेप होता है, ठीक है, पोस्टीरियरली दोनों फीमर के कंडाइल से ऊपर उसका अटैचमेंट, ऊपर डोज के वो जिस तरह बाय के होते हैं ना उस तरह अटैचमेंट, और नीचे एक उसकी अटैचमेंट होगी किसके साथ, टिबिया के फ्रंट पे जाके वो अटैच करेगा. ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये आर्कुएट पोपलीटियल लिगामेंट होगा. फिर आ गया हमारे पास, मैंने ये बता दिया आपको, जो टिबिया या मीडियल साइड पे कोलैटरल लिगामेंट्स हैं वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, फिबुला या फिबुलर, या लेटरल साइड पे जो है वो कौन सा होगा, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट. फिर हमारे पास क्रॉस में दो क्रूशियट लिगामेंट्स है, एंटीरियर वाला एंटीरियर क्रूशियट एंड पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट. ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द नी टुगेदर. अच्छा, पटेलर लिगामेंट जिस तरह के मैंने बताया इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल्स ऑफ द एंटीरियर थाई. इट एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द पटेला टू द टिबियल टिब्रोसिटी. समझ आ गई इस बात की जो मैंने बताई थी कैसे कॉन्टिन्यूशन होती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरस का, जो मसल है उसकी कॉन्टिन्यूशन आगे क्या बनाएगी, हमारे पास टेंडन बनाएगी, और टेंडन के बाद वही टेंडन हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा लिगामेंट में विद द अटैचमेंट टू द पटेला विद द टिबियल टिब्रोसिटी. ठीक है, पटेलर लिगामेंट. फिर आ गया ऑब्लीक. ऑब्लीक नाम से बता रहा है, इट इज ऑब्लीकली प्लेस्ड, इट कनेक्ट्स द लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर टू द मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द टिबिया. अब लेटरल साइड से टिबिया वाली साइड पे आ रहा है तो ऑब्लीक हुआ ना, थोड़ा सा लेटरल से टिबिया हमारा मीडियल साइड पे होता है तो ये ऑब्लीक पड़ा होगा. ठीक हो गया. देन हमारे पास आर्कुएट कौन सा, वाई शेप मैंने बताया था, कनेक्टिंग द लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर टू द हेड ऑफ द फिबुला. एक हमारा टिबिया के साथ, ठीक है, बाकी जो मैंने अभी आपको लिगामेंट्स बता दिए हैं दिखा दिए हैं वो तो समझ आ गए ना, दोनों साइड्स पे आ गए हमारे क्रूशियट लिगामेंट्स. ठीक है, क्रॉस में आ गए क्रूशियट लिगामेंट, दोनों साइड पे आ गए लेटरल लिगामेंट. ठीक है, और तीन इसके अलावा हमारे लिगामेंट्स हैं वो कौन 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 से हैं, एक वाई शेप आर्कुएट लिगामेंट जो कि ऊपर कंडाइल्स के साथ अटैच करेगा, और नीचे हमारे पास इसके फिबुला के साथ, और टिबिया के साथ एक ऑब्लीकली आ रहा है लिगामेंट, वो कौन सा है, लेटरल साइड ऑफ द कंडाइल से आ रहा है हमारे टिबिया के ऊपर. ठीक है, तो ये ओब्लीक हो गया, और तीसरा हमारा पटेलर. ठीक है, जो कॉन्टिन्यूशन है ये तीन और बाकी वो सारे, ये सारे यूनाइट करके हमारे पास सारे लिगामेंट्स नी को स्टेबलाइज करते हैं. ठीक हो गया, और कोलेटरल लिगामेंट्स आपको मैं बता चुकी हूँ, जो मीडियल साइड पे है वो मीडियल कोलेटरल और लेटरल साइड पर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट. मीडियल साइड पे जो कोलेटरल लिगामेंट है वो अब थोड़ा सा पढ़ लें कि क्या होता है, किस तरह का शेप होती है उसकी. द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इज अ फ्लैटेंड लार्ज स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मीडियल फेमोरल कंडाइल टू द मीडियल कंडाइल ऑफ द टिबिया. समझ आ गई. अब ये बताओ कि ये कितना सेंटीमीटर होता है, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग
और फर्दर ये डिवाइड करता है दो कंपोनेंट्स, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट फर्दर डिवाइड करता है दो कंपोनेंट्स में, एक डीप और एक सुपरफिशियल, विच आर सेपरेटेड बाय अ थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब ये हमारे पास लेयर्स बता दी है उसने, डीप और सुपरफिशियल, तो इसकी एक जेनेसिटी भी डिफरेंट होगी ताकि हमें पता चले कि भाई अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक जो लेयर है वो डीप है और एक जो है वो सुपरफिशियल है, दोनों की एकोजेनेसिटी, और ये दोनों के अंदर कोई हमारे पास ऐसा कोई होगा स्ट्रक्चर जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा, जिन पे हमें पता चलेगा कि वन इज द डीप एंड द अदर इज द सुपरफिशियल। तो ये भी हम लोगों ने इधर पढ़ा है कि इसके अंदर हमारे पास एक थिन लेयर होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि हमें ब्लैक सी नजर आती है, तो वो दोनों स्ट्रक्चर्स को हमें डिवाइड कर देगा कि एक है डीप और एक है सुपरफिशियल। समझ आ गया, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट फर्दर डिवाइड्स इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जो द डीप लेयर ऑफ द एमसीएल इज कंटीन्यूअस विद द मीडियल मेनिस्कस, क्योंकि डीप है इनसाइड है, आगे हमारे पास मेनिस्कस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो डीप लेयर ऑफ द एमसीएल इज कंटीन्यूअस विद द मीडियल मेनिस्कस, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट आर द मोस्ट कॉमनली टॉर्न लिगामेंट ऑफ द नी। जब भी नी इंजरी होगी तो ये जो हमारे पास लिगामेंट्स है ना, मीडियल कोलैटरल और एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट, ये जो है ना कॉमनली टॉर्न लिगामेंट है। जब भी नी इंजरी होती है तो ज्यादातर ये टॉर्न होते हैं। एमसीपी क्वेश्चन। देन हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट में अभी मैंने बताया कि दो कंपोनेंट है, डीप और सुपरफिशियल। डीप आगे जो है वो मेनिस्कस के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास फेमोरल लिगामेंट होगा, फेमोरल जो लिगामेंट है ऊपर से आ रहा है, आके मेनिस्कस के साथ अटैच हो रहा है, दैट इज मेनिस्को फेमोरल लिगामेंट। ठीक है, डीप आगे नीचे टिबिया के साथ अटैच हो रहा है, मेनिस्कस के साथ मेनिस्को टिबियल लिगामेंट। ओके, सोनोग्राफिकली द एमसीएल अपीयर एज अ ट्रायल लेमिनर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू हाइपरएक्विक लेयर सेपरेटेड बाय अ सेंट्रल इंटरलीव्ड हाइपोएक्विक एरिया। इसके तीन लेयर्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि एक तो सुपरफिशियल और डीप हो गया। ठीक है, वो डिवाइड करेगा, फिर इसके अंदर जो हमारा ये लेयर है ना, ये ट्राइलेमिनर है, जो कि हमें कैसे बताया गया कि उसके जो ऊपर नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो हाइपर इक्वेट होंगी, वाइट होंगी, और सेंटर से वो थोड़ी सी ग्रे ग्रे सी होगी या ब्लैकिश, मतलब टोन ज्यादा होगी उसके अंदर, तो ब्लैकिश ग्रे स्ट्रक्चर होगा, तो जो वो डिवाइड करेगा, जिसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी ना जिन मशीन की, तो हमें लेयर बाय लेयर्स भी नजर आ रही है। जिस तरह मैंने बताया था कि डे बाय डे हमारी जो अल्ट्रासाउंड की रेजोल्यूशन है वो बेहतर से बेहतर बनाई जा रही है। पहले हमारी हाई रेजोल्यूशन जो थी, जो अल्ट्रासाउंड के लिए मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के लिए यूज की जा रही थी, वो 12-14 तक जा रही थी। ठीक है, मैक्सिमम 14 मेगाहर्ट्ज़ वाली प्रोब जो थी वो आ गई थी कि जी बड़ा अच्छा स्कैन होता है। अब जो है वो 18 मेगाहर्ट्ज़ तक की प्रोब आ चुकी है। अब देखो इतनी अच्छी रेजोल्यूशन की प्रोब, जो कि हमें पता है कि जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी अच्छी, उतनी ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी हायर होती है। ठीक है, तो हम 18 मेगाहर्ट्ज़ तक चले गए हुए हैं और उसकी रेजोल्यूशन कितनी अच्छी होगी, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हायर रेजोल्यूशन वाले हैं, हायर फ्रीक्वेंसी वाले, उनकी पेनिट्रेशन कम होती है। ठीक है, इनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी होती है और ये हमें सुपरफिशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे दिखाते हैं, तो जितना अच्छा रेजोल्यूशन उतना सुपरफिशियल स्ट्रक्चर बेहतर। तो अब ये जो 18 मेगाहर्ट्ज़ तक की है ना, ये इवन की स्किन की प्रॉब्लम्स और स्किन को विजुअलाइज करने के लिए भी यूज हो रही है। हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है वो स्किन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये डर्माटोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड को पढ़ रहे हैं और ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा ये प्रोब लेते हैं 18 मेगाहर्ट्ज़ तक की, और स्किन की इवन हम लोग आम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके ऊपर हमें लेयर एक ही नजर आती है। ठीक है, लेकिन ये जो हाई रेजोल्यूशन की प्रोब्स है ना, ये हमें स्किन की भी लेयर्स इस तरह क्लियरली दिखा रही होती हैं कि हम लोग इनको रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके अंदर भी जो एमसीएल की तीनों लेयर्स हैं वो इसी तरह हमें क्लियरली नजर आएंगी, दो हाइपर इक्विक और सेंट्रली हाइपो इक्विक। ठीक है, अब ये डायग्राम को देख लो, आपकी आधी एनाटॉमी जो है ना कवर हो गई है, ये फीमर बोन ऊपर, ठीक है, आगे पटेला आ गया। ठीक है, ये प्लस साइन जो आ रहा है, ये क्रूशियट लिगामेंट है जो एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर क्रूशियट, जो पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट, साइड्स पे जो बड़े बड़े से बैंड्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द कोलैटरल लिगामेंट, जो मीडियल साइड पे है, मीडियल कोलैटरल, लेटरल कोलैटरल। ठीक है, फिर हमारे पास ये मेनिस्कस है, ये यहाँ पे जो कॉन्डाइल्स के ऊपर आके जब अटैच होते हैं, तो ये मेनिस्कस यहाँ पे आपके टिबिया के हेड के ऊपर होते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये आ गया आपके मेनिस्कस। ठीक, अच्छा, हाइपर इक्विक बैंड
जो MCL के हैं correspond to deep and superficial fiber bundles, ये हम पढ़ चुके हैं. Whereas the loose areolar tissue constitutes the hypoechoic central area that divides the superficial component from the deep one. ठीक हो गया. ये फाइबर जो है ना, जो हमारे पास हाइपर इक्विक है वो, और जो हमारे पास डीप स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने बताया, एक हाइपर इक्विक बता रहे हैं और एक हाइपो इक्विक है. हाइपो इक्विक जो है वो लूटर एरियल टिश्यू के बने होते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई वो जो है ना इस तरह हम लोगों को थोड़े से ग्रेइश नजर आ रहे हैं. और जो हाइपर इक्विक बैंड्स हैं, दीज आर द फाइबर बंडल्स जिनकी एकोजेनेसिटी आपको ब्राइटर नजर आएगी. अच्छा, ये आपका अल्ट्रासाउंड हुआ हुआ है नी का. मीडियल साइड पे आपने प्रोब रखी हुई है. और ये प्रोब हमने किस तरह रखी हुई है? ये हमने प्रोब रखी हुई है सेजिटल. ठीक है, आपने जो है लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर नी का अल्ट्रासाउंड किया हुआ है. अब आपको समझ आ रही नहीं आ रही होगी कुछ भी. ठीक है, अगर हम लेटरल साइड पे प्रोब रखते हैं इस साइड पे, ठीक है, आपने प्रोब रखी है यू सीधी. ठीक है, यू मीडियल साइड पे, इस साइड पे प्रोब रखी है, तो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो इधर ऊपर. हमें आपको पता है ना कि जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं तो जो स्क्रीन का आपका ये वाला साइड होता है, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक, ये वाला जब आप स्क्रीन के सामने खड़े हो तो ये वाली साइड हमें बताती है पेशेंट की हेड साइड. ओके, और जो हमारा जो आपकी राइट साइड है, ठीक है, वो हमारे स्क्रीन की कौन सी होती है? पेशेंट की फुट साइड. तो हमने लॉन्गिट्यूडनल स्कैन के ऊपर इस तरह अपनी प्रोब रखी है, तो हमें स्कैन के ऊपर जो चीजें नजर आएंगी वो आप देखो कि ऊपर हमारा जो इस साइड है, जो हेड साइड है, उसके ऊपर ये पहले बोन नजर आएगी फीमर. ठीक है, ये हमारे पास ये कोलैटरल लिगामेंट है, ये फिर नीचे वाली बोन नजर आएगी और सेंटर में मेनिस्कस नजर आएगा. ठीक है, अब आप इस पिक्चर में देखो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर तो आपको क्लियर होगा ये ऊपर तो मसल्स आ गए. ठीक है, मसल्स तो क्लियरली नजर आ जाते हैं कि ये मसल्स है इसके अंदर. ये देख रहे हो किस तरह बंडल्स, फाइबर बंडल्स हमें नजर आ रहे हैं. ठीक है, ये ऊपर स्किन हो गई वाइट कलर की. ठीक है, ये मसल आ गए. ठीक है, मसल के बाद हमारे पास ये क्या है, हमारे जो ग्रीन कलर का है, ये हमारे पास कोलैटरल लिगामेंट है. मीडियल साइड है तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट. ठीक है, ये जो व्हाइट कलर की लाइन नजर आ रही है बोन है, पीछे शेडो है, तो ये हमारा जो स्क्रीन का ये साइड है, आपकी लेफ्ट साइड है, तो हमारी ये कौन सी बोन हो जाएगी? जो अपर वाली है, क्योंकि ये हमारा पेशेंट का हेड साइड हो गया ना ऊपर वाली, तो दिस इज द फीमर. और ये हमारी मीडियल साइड है, मीडियल साइड पे हमें पता है कौन सी बोन है. ठीक है, क्लियर हुई है इमेज? मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर इस तरह चीजें नजर आएंगी. आपका नी का स्कैन किया गया है मीडियल साइड पे, प्रोब आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, दिस इज द हेड साइड, दिस इज द फुट साइड, तो जो ऊपर वाली बोन है दिस इज फीमर, ये जो व्हाइट कलर की लाइन नीचे नजर आ रही है दिस इज टिबिया, और ये जो आपको मीडियल साइड पे दोनों बोन्स को यूनाइट कर रहा है ग्रीन कलर का बैंड. अभी तो यहाँ पे कलर्स किए हुए हैं ना, कलर्स नहीं होंगे तो आपको पूरा ये ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आएगा. ठीक है, फिर आपने उसकी एकोजेनेसिटी से बताना है कि दिस इज लिगामेंट. ठीक है, वो हाइपर इक्विक होता है, उसकी एकोजेनेसिटी ये मसल से ज्यादा होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा दिस इज लिगामेंट. ठीक हो गया, और ये जो दोनों बोन्स के दरमियान में पर्पल कलर का हमें नजर आ रहा है दिस इज मेनिस्कस. क्लियर है? ये मैं अगर लेबल करने दे दूं तो 5 नंबर की अगर पिक्चर तो आप कर लोगे. एक ये वाली बोन बता दो, एक ये वाली बोन बता दो. ठीक है, अगर मैं साइड ना बताऊं तो आप ये दोनों इधर स्लैश डाल के लिख देना कि आया या टिबिया भी हो सकती है, फिबुला भी हो सकती है, मैंने साइड मेंशन नहीं की है. ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया ये बैंड ऊपर जो दोनों साइड पे, तो लेटरल लिगामेंट लिख देना. अगर मैं मीडियल साइड लिखूंगी तो ऑब्वियसली आपको लिखना होगा कि दिस इज मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड दिस इज मीडियल मेनिस्कस. फिर ये मसल आ गया, ये स्किन आ गई, 1, 2, 3, 4 मसल या स्किन में से एक, 5 नंबर की डायग्राम. ओके, क्या बात है, मैं साथ साथ बताती रहती हूँ. अब देखो ये समझ आ रहा है कुछ, वो तो कलर हुआ हुआ था. ठीक है, अब ये देखो, ये आ गया हमारे पास टिबिया, ये हमारे पास कंडाइल फीमर का, ये आप बोन देख रहे हो व्हाइट कलर की, ये देख रहे हो वो बोन लाइन दरमियान में, इन दोनों बोन के दरमियान मेनिस्कस. ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा आ गया, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट. ठीक हो गया, डीप और सुपरफिशियल आगे हम देखते हैं कि किस तरह वो डिवाइड करता है. फिर हमारे पास आ गया लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, लेटरल साइड पे लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर, और अटैच करता है हेड ऑफ द फीमर लेटरल साइड पे. मीडियल एंड लेटरल कोलैटरल लिगामेंट प्रिवेंट द फीमर फ्रॉम स्लाइडिंग साइड टू साइड. ठीक है, इनका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि वो साइड्स पे लगे होते हैं तो वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि नी को
साइड मूवमेंट ज्यादा ना वो हो सके एमपी, ठीक है। और जो लेटर कोलेटरल लिगामेंट है इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द लेटरल मेनिस्कस बाय द पोपलीटियस टेंडन, ठीक है। लेटर कोलेटरल लिगामेंट जो है वो जो मेनिस्कस है, ठीक है, उसके दरमियान में आपके पास एक पोपलीटियस टेंडन होता है। अगर आप इस इमेज को देखो लेटरल साइड पे, तो ये आ गई हमारे पास बोन व्हाइट कलर की फीमर, और ये आ गई हमारे पास टिबिया, ये हमारे पास आ गया लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, और ये हमारे पास आ गई मेनिस्कस, ठीक हो गया। देन हमारे पास आगे एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट, जो कि हमारे पास क्या होते हैं प्लस साइन होते हैं, जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली नी जॉइंट के हमारे पास खड़े होते हैं। तो इट ओरिजिनेट, जो एंटीरियर साइड वाला है वो ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटर कॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया एक्सटेंडिंग टू द लेटर कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, ठीक है। एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट प्रिवेंट्स द फीमर फ्रॉम स्लाइडिंग बैकवर्ड, ये जो प्लस साइन में होते हैं ना वो बैकवर्ड और फ्रंट साइड पे जो उनकी मूवमेंट होती है ना ज्यादा, उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक हो गया। और जो कोलेटरल लिगामेंट साइड्स पे है वो जो साइड वाली मूवमेंट है उनको प्रिवेंट करते हैं। पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट कनेक्ट्स द पोस्टीरियर इंटर कॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, मैंने डायग्राम बना दी थी, अब आपको खुद ही समझ आ जाएगी कौन सा लिगामेंट किस जगह पे पड़ा हुआ है, किस तरह उसकी अटैचमेंट, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट है उसका क्या फंक्शन है, फॉरवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। अच्छा, टू क्रूशियट लिगामेंट स्ट्रेचेस अपवर्ड बिटवीन द टिबिया एंड फीमर crossing each other, जो कि cross sign बनाते हैं, these ligaments serves to hold the articulating surface of the knee joint in place or together, okay। अब आ गए हमारे पास meniscus, meniscus क्या होते हैं, एक हमारा lateral side पे meniscus होगा, एक हमारा medial side पे होगा, और वो ऊपर हमारे tibia के ऊपर हमारे band की तरह C shape bands होते हैं, वो हमारे पास fibrocartilaginous infrastructure होता है, ठीक है, C shaped होते हैं ताकि ऊपर जो हमारे femur के condyles हैं इसके अंदर आके flex हो जाए। Each meniscus is attached to the head of the tibia. It's composed of a thick outer rim and a much thinner central, ताके thin center होगा तो condyle उसमें fix हो जाए। C shape होता है ना। अब आ जाओ medial and lateral meniscus acting like a gasket to help distributes the weight of the upper body from the femur to the tibia, protecting the articular cartilage. ठीक है, functions आ गए हैं, ये आप देख लो condyles कैसे सॉकेट बॉल एंड सॉकेट जो हमारा मूवमेंट होता है ना जिस तरह उसके अंदर है शोल्डर जॉइंट के अंदर, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कंडाइल्स उस फीमर के अंदर अटैच होंगे, सॉकेट बन जाता है वो मेनिस्कस जो है वो, ठीक है। अगर ये देखो तो ये कंडाइल्स फीमर के, ठीक है, और ये हमारे पास नीचे मीडियल और लेटरल मेनिस्कस, और इसके अंदर यहाँ पे आके ये सी शेप होंगे, आउटर रिम जो होगी थिक होगी और सेंट्रल रिम जो होगी थिन होगी ताकि ये इसके अंदर फिक्स हो गए। फिर आगे हमारे पास रेटिनाकुलम, रेटिनाकुलम्स क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैम, जिसमें से टेंडन एक से ज्यादा पास करते हैं, ठीक है, ऐसी स्पेस जहां से टेंडन एक से ज्यादा पास करते हैं हमारे पास स्पेस होती है, ठीक है। रिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ डॉर्सल रेटिनाकुलम्स हैं और कुछ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक मीडियल पैटेलर रेटिनाकुलम इज अ टेंडन ऑफ द नी दैट क्रॉसेस द नी जॉइंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द पैटेला, वो एक स्पेस बनाता है, ठीक है, स्पेस के अंदर से मीडियल पैटेलर जो टेंडन है ना क्या करता है वो उसमें से पास करेगा, और उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या, फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द नी एंड एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। अच्छा, फंक्शन आ गया वॉकिंग रनिंग किकिंग अ बॉल, ठीक है। मीडियल पैटेलर रेटिनाकुलम इज द ब्रांच ऑफ टेंडन ऑफ इंसर्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस दैट क्रॉसेस द नी ऑन द मीडियल साइड ऑफ द पैटेला, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ ये हो गया। अब आ जाओ हमारे पास बर्सास, बर्सास मैंने क्या बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, व्हाट आर बर्सास मैम, ये फ्लूइड कुशन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा जो जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है। अब देखो इतना बड़ा जॉइंट है, इतनी बोन्स है, इतनी ज्यादा मूवमेंट हो रही है, सारा का सारा वेट नी के ऊपर है, ठीक है, तो उसके लिए अब हमारे पास बर्सास भी उतने ही ज्यादा यहाँ पे होंगे, ठीक है। बर्सास क्या थे, दे आर लाइक कुशंस, वो हमें प्रिवेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे मूवमेंट हो रही होती है वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। और किस तरह के होते हैं ये, क्या इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है, ये हमें एनाफिट नजर आते हैं उसके ऊपर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर,
जो नी ज्वाइंट के अंदर काफी ज्यादा बर्सास हैं, ये बस अपने नाम याद करने हैं और अकॉर्डिंग टू देयर नेम ये वहीं पे पड़े होंगे, ठीक है। जो सुपरा पटेलर बर्सा है कहाँ पे पड़ा होगा, पटेला के ऊपर, ठीक है। देन हमारे पास प्री पटेलर बर्सा है, इंफ्रा पटेलर बर्सा है, पेस एंसिडरनस बर्सा है, ठीक है, प्री टिबियल बर्सा, पोपलीटियल बर्सा एंड गैस्ट्रोनियस बर्सा, ठीक हो गया। दीज आर द बर्सास दैट आर प्रेजेंट इन द नी ज्वाइंट और इनका फंक्शन क्या था? मैम फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आ गया पेस एंसिडरनस बर्सा लाइज बिटवीन द, अब मैं पहले ये भी एक क्वेश्चन बार बार पूछती हूँ, व्हाट इज पेस एंसिडरनस, ये क्या है टेंडन, ये किस तरह बनता है, ये जो ब्लू कलर के है ना ये सारे बर्सास है, ठीक है। तो सुपरा पटेलर पटेला के ऊपर पड़ा हुआ है, प्री पटेलर यहाँ पे आ गया, इंफ्रा बिलो द पटेलर बोन, ठीक है, और पेस एंसिडरनस यहाँ पे। पेस एंसिडरनस बनता कैसे है मैं अपनी स्लाइड में आपको बताती हूँ, ठीक है, समझ आ गई। बर्सास काफी ज्यादा नी जॉइंट में होते हैं या इस इन जगहों पे, अकॉर्डिंग टू देयर नेम, नेम आपको रिप्रेजेंट करेगा उनकी प्लेसमेंट। अब आ गए मसल्स, मसल्स के मैंने आपको कहा था सिर्फ आपने नाम याद कर दें, फटाफट से सिर्फ आप नाम देख लो। द मसल्स ऑफ द नी इंक्लूड द क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड द मसल्स ऑफ द काफ। क्वाड्रिसेप्स मसल्स कौन से होते हैं? I mean front of thigh जो मसल है that is quadriceps. Anterior side पे होंगे, ठीक हो गया। Hamstring muscles. मैं posterior side. मैं semi tendinous, semi membranous और quadriceps होते हैं posterior compartment of thigh में, hamstring. क्या मुझे आवाज समझ नहीं आई? मैम semi tendinous, semi membranous और quadriceps होते हैं posterior compartment of leg में जो मसल होते हैं वो hamstring होते हैं, तीन मसल। आप पैस एंसिडरनस बता रहे हो? नो मैम, सेमी टेंडेनस, सेमी मेम्ब्रेनस और मैम बाइसेप्स फेमोरिस के तीन मसल होते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में, मैम थाई के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। अच्छा आप मसल्स बता रहे हो, ठीक ठीक, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन में, मुझे समझ नहीं आई, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड मसल्स ऑफ द काफ, ये हम लोगों ने इसमें नाम सिर्फ आपको पढ़ने हैं, आपको ये भी पता होगा इनके क्या फंक्शन है, कौन से जो है वो फ्रैक्चर में काम करते हैं, कौन से हमारे पास एक्सटेंसर्स मसल्स है, ठीक है। ये हमारे इसका फंक्शन आ गया मसल्स का। अब आ जाओ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, ठीक है, कौन कौन से हो गए? रेक्टस फेमोरस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन से हैं? बाइसेप फेमोरस, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। अली हैदर आप सही बता रहे थे, ये हमारे पास आ गए हैमस्ट्रिंग्स मसल। सार्टोरियस और ब्रेसिलस, ये हमारे पास क्या कौन से मसल्स हैं? पांच, ये हमारे पास हैमस्ट्रिंग्स मसल्स है। एक्सटेंसर्स ऑफ द नी, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, ठीक है, ये हमारे पास जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल्स हैं, जो इंटीरियर मसल्स हैं, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्सटेंडिंग द व्हाट मून, एक्सटेंडिंग अलोंग द इंटीरियर ऑफ द थाई आर द फोर मसल्स ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, रेक्टस फेमोरस, वर्सस, ये सारे हमारे पास एक्सटेंसर्स मसल्स हो गए, ओके। मसल्स के नाम आपको पता चल गया, बस छोड़ दो। बाकी हमारे पास कौन से मसल्स थे? हैमस्ट्रिंग मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स का क्या था रोल? अक्रॉस द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थाई फ्रॉम द इस्कियम ऑफ द पेल्विस टू द टिबिया ऑफ द लोअर लेग, थ्री इंडिविजुअल मसल्स फ्रॉम द हैमस्ट्रिंग ग्रुप, बाइसेप फेमोरस, सेमी टेंडिनस एंड सेमी मेम्ब्रेन। हैमस्ट्रिंग्स वर्क टुगेदर टू फ्लेक्स द लेग, ये फ्लेक्सर्स मसल्स हो गए, ठीक हो गया। अच्छा और इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या था मसल्स का? ये फंक्शन था सारे, किसकी कहाँ से कंटिन्यूशन है, लोकेटेड लोकेशन, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडरनेस, सार्टोरियस, ठीक है, जिसे इनके प्लेसमेंट कहाँ से, रीजन है कहाँ पे इनका इंसर्शन है मसल का, सार्टोरियस कौन सा मसल हो गया और उसका फंक्शन, ठीक है। एमसीक्यू हमारे पास एक और आ गया है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? सार्टोरियस, हो गया। अच्छा ग्रेसिलस मसल आ गया, सुपरफिशियल मसल है, मीडियल साइड पे, थिन होता है, फ्लैटेंड, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास मैंने बताया था कि पेस एंसिडरनस क्या है, पेस एंसिडरनस
इज इट अ लिगामेंट, इज इट अ टेंडन, व्हाट इज इट? अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी डिफाइन पेसेंस रेनस, आपने प्रॉपर इसको बताना है इट्स अ टेंडन और ये कैसे बनता है। ये तीन हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बनाते हैं पेसेंस रेनस। एक इसके अंदर मसल कौन सा है, सार्टोरियस मसल, ये आ रहा है, ठीक है, सार्टोरियस मसल, देन ग्रेसिलस टेंडन, ये रहा, देन हमारे पास सेमी टेंडनस। ये तीन जो है ना ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, पेसेंस रेनस। और ये किस साइड पे इसकी अटैचमेंट है, ये मीडियल साइड पे इसकी अटैचमेंट है, ठीक हो गया। कौन कौन से मसल्स आ गए, सार्टोरियस, ग्रेसिलस टेंडन एंड सेमी टेंडिनोसिस, ठीक हो गया। ये तीन टेंडन्स जो है मिलके हमारे पास पेसेंस रेनस बनाते हैं और ये इस तरह के पेरेंस देते हैं, इसको कहते हैं गूस फुट। जिस तरह के आपने वो क्या होता है बगला कहते हैं दोस्तों, बगला होता है ना वो, उसको मैं ठीक कह रही हूँ ना, ये ना मैं गलत कह रही हूँ, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जो बड़ा सा एक परिंदा होता है उर्दू में, पता नहीं। तो उसका अगर आप उसका पाँव देखो तो ऐसे ना तीन का वो बना होता है, जिस तरह क्या कह सकते हैं गूस फुट अपेरेंस होती है, उसमें तीन जो फिंगर्स है ना उसकी यूं अटैच होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम भी देते हैं हम लोग के, दिस इज पेसेंस रेनस, गूस फुट इसे कह सकते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल नेम गिवन टू द कंजॉइंट टेंडन्स एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नी व्हिच इंसर्ट ऑनटू द एंट्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया। जो चीज याद करने वाली है ये कि इज इट अ टेंडन और अ लिगामेंट, यस इट्स अ टेंडन। कौन कौन से मसल्स के टेंडन से बनता है, सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमी टेंडनस। किस साइड पे होता है, मीडियल साइड पे, ठीक है। इट्स नेम कम फ्रॉम द वेब फुट अपीयरेंस ऑफ द टेंडन इंसर्शन ऑनटू द टिबिया, ठीक है। अगर ये इसको क्या कहते हैं पता है किसी को, जो भी कहते हैं गूस जो है ना, गूस फुट अपीयरेंस इसमें होती है और वो इस तरह जिस तरह के तीन फिंगर्स आपकी दोनों अटैच होती है, तीनों फिंगर्स इसकी जिस तरह की अपीयरेंस होती है ना, इस तरह का हम लोग को टेंडन नजर आता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर तीनों की इंसर्शन एक ही जगह पे हो रही होती है, तीनों साथ ही कंजॉइंड होते हैं, ठीक हो गया। द थ्री टेंडन्स दैट फॉर्म द पेसेंस रेनस, एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पे सबसे पहले सार्टोरियस, ग्रेसिलस एंड देन सेमी टेंडनोसिस। अच्छा, इन द काफ रीजन ऑफ द लेग द गैस्ट्रोमीनियस मसल एक्सटेंड्स फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर थ्रू द कैल्केनियस एचिलस टेंडन टू द कैल्केनियस ऑफ द हील। अब एचिलस कहीं हमने पहले भी पढ़ा है, पहले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था स्पोर्टिंग लिगामेंट्स में, स्पोर्टिंग लिगामेंट्स में पढ़ा था। नहीं, एक और चीज थी एचिलस टेंडन की, एक इम्पोर्टेंस थी कि क्रिटिकल रीजन उसमें क्या होता है मैम, वहां पे वेसल्स नहीं होती, उसके सेंटर पर हम लोगों को नजर नहीं आता ठीक से, अंदर वेसल्स नहीं होती इसके अंदर जो है। और ये क्या होता है, ये मोस्टली कौन जो है ना टेंडन होता है, दो हमने एग्जांपल देखे ना एचिलस टेंडन की और दूसरी कौन सी दी थी, एक स्कैपुलर शोल्डर जॉइंट पे ठीक है टेंडन था, ठीक है। तो एचिलस टेंडन के अंदर वेसल्स नहीं होती यहाँ पे, ठीक हो गया, एचिलस टेंडन उधर हमने पढ़ा था। Gastrocnemius forms the posterior muscular wall of the knee and act as a flexor of the knee and plantar flexor of the foot. ठीक है, और आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल नहीं थी ना, इजी सा लेक्चर था, सिर्फ हमने बोन्स पढ़ ली, लिगामेंट्स पढ़ लिया, टेंडन पढ़ लिया और मसल्स कौन कौन से हैमस्ट्रिंग है, कौन कौन से हमारे पास और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक पेसेंस रेनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कैसे बनता है, ये हमारा मीडियल साइड पे तीन टेंडन यूनाइट करके वेब फुट अपीयरेंस देते हैं, तीनों एक ही जगह पे अटैच होते हैं मीडियल साइड पे, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, पेसेंस रेनस या गूस फुट अपीयरेंस इनको कहते हैं, ठीक हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, लिगामेंट्स आपको बताऊं कौन कौन से लिगामेंट्स है, क्रूशियट लिगामेंट्स का क्या क्या प्रिवेंट करते हैं, कौन से मूवमेंट को, लैटरल लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, किसको किसके साथ अटैच कर रहे हैं लिगामेंट, मेनिस्कस कहाँ पे होते हैं, ठीक है। और टेंडन बॉडीसेफेमोरस टेंडन कौन सा ऐसा टेंडन है जो क्या अगर लिगामेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है, पटेलर टाइम वो किस तरह की क्या किस तरह कंटिन्यू करेगा, कॉन्टिन्यूशन ऑफ द कॉर्टिसेप्स फेमोरस जो अटैच करेगा पटेला के साथ एंड पटेलर आगे से पटेलर लिगामेंट बनेंगे, ठीक है। समझ आ गई सारी चीजों की, यस मैम, यस मैम। योर क्वेश्चन,
मैम एक दफा एक्यूजेनिसिटी बता दें कि मसल से ज्यादा एक्यूजेनिक टेंडन होता है और टेंडन से ज्यादा सबसे ज्यादा एक्यूजेनिक लिगामेंट होता है, सबसे ज्यादा एक्यूजेनिक टेंडन सॉरी लिगामेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे कम जो होता है वो टेंडन होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास ग्रे जो है विद एक्यूजेनिक बैंड्स हमारे पास मसल्स होंगे, ठीक है। ग्रे स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर हमें व्हाइट कलर की नजर आ रही होंगी, वो जो मसल्स है वो तो हमें बल्की बल्की सा हमें पहले वो बड़ा क्लियर नजर आता है कि दूसरे से मसल, ठीक है। और जो हमारे पास टेंडन और लिगामेंट है ना उसके अंदर बस थोड़ा सा फर्क हमें कभी नहीं पता चलता, बस आप उसकी एक समटाइम्स हमें उसकी मैंने बताया था कि प्रोब की प्लेसमेंट की वजह से एक्यूजेनिसिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कभी हम लोग जो है ना उसको बिल्कुल इंटैक्ट नहीं स्किन के साथ रखते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी एयर आ गई या हमारा उसके अंदर एंगल आ गया तो वो हमें एक्यूजेनिसिटी डिफरेंट कर सकता है। तो वो जो हीटो इफेक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके और उसके अलावा हम लोगों ने प्रोब की प्लेसमेंट पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरा से भी हम लोग उसके अंदर एक्यूजेनिसिटी डिफरेंट कर सकते हैं, जरा जरा तीन तो शेड, तीन तो हमने स्ट्रक्चर मोस्टली पढ़ने हैं। बोन तो हमें वैसे ही क्लियर पता चल जाती है कि दिस इज अ बोन, ठीक हो गया। तो उसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो लिगामेंट और वो है टेंडन है, ठीक हो गया। तो वो तो हमें क्लियरली जो है ना उसकी एक्यूजेनिसिटी, तो इसलिए एक्यूजेनिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे ज्यादा एक्यूजेनिक लिगामेंट, उससे कम टेंडन, उससे कम मसल, ठीक है। क्योंकि मसल जो है वो ग्रे है और उसी की कॉन्टिन्यूशन अगर टेंडन है ना तो वो बस थोड़ा सा उससे थिक हो जाता होता है तो टेंडन बनता है ना मसल, तो उससे जरा सा थिक हुआ तो टेंडन बन गया। और जो लिगामेंट है वो तो होते ही सेपरेट, उसके बैंड है उसके बहुत एक्यूजेनिक बैंड होते हैं और लीनियर लाइन्स उसके अंदर ज्यादा क्लियर होती है लिगामेंट्स के अंदर, क्लियर है। Yes, ma'am. अब हमने मैम आपने ट्रांसवर्स के ऊपर बताया था मसल्स और नर्व्स का कि मसल में ट्रांसवर व्यू में ये होता है कि हमें स्मॉल लीनियर लाइंस नजर आती हैं और नर्व्स में हनीकॉम अपीयरेंस नजर आती है, तो लिगामेंट में ट्रांसवर्स व्यू में क्या नजर आता है? लिगामेंट हम लोगों को ट्रांसवर्स व्यू के अंदर जो हमारी लाइंस है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी लाइंस होती हैं जिस तरह जिस तरह हमारे मसल्स के अंदर, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर था ना और यहाँ पे नजर क्योंकि उसके अंदर मसल के जो बंडल्स है ना फाइबर्स वो कहीं कहीं यूं यूं तो कहीं पे मोटा होता है कहीं से पतला होता है, यूं होता है, ठीक है। लेकिन जो लिगामेंट होता है ना उसके बैंड एक जैसे होते हैं, लीनियर बैंड होते हैं, ठीक है। वो हम लोगों को एक तो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी एक्यूजेनिसिटी, ठीक है, ट्रांसवर्स व्यू के अंदर भी जो है उसकी एक्यूजेनिसिटी हमें ब्राइट नजर आएगी, व्हाइट नजर आएगी, और उसके अंदर जो बैंड होंगे ना वो यूं स्ट्रेट लाइन जरा क्लियर बड़ी बड़ी नजर आ रही है, ठीक है। उसकी लाइंस क्लियर, उसके बैंड्स क्लियर, व्हाइट थोड़े बड़े होते हैं और एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और उसके अलावा उसकी एक्यूजेनिसिटी जो है ना वो ठीक है। थैंक यू। ब्राइटर एक्यूजेनिसिटी की वजह से मेन इंपॉर्टेंट तो उसका डिफरेंस है। मसल्स और नर्व को इसलिए डिफरेंशिएट हम लोगों ने किया था कि उनकी एक्यूजेनिसिटी सेम ही होती है, ग्रे से ही होते हैं दोनों, और उसके अंदर व्हाइट दोनों के अंदर जो बेस होती है ना नीचे ब्लैक वो ग्रे सी सेम होती है, उसके अंदर जो है वो फिर हम लोग को डिफरेंशिएट नहीं हो रहा होता कि ये मसल है या नर्व है। तो उसके अंदर जो हम लोगों ने उनका मेन डिफरेंस देखा था वो एक हनीकॉम अपीयरेंस थी जिसकी नर्व की थी और दूसरी हमारे पास मसल्स की थी जिसके अंदर स्मॉल लाइंस नजर आती हैं छोटी छोटी सी जो हमारे फाइबर बंडल्स जितने मसल्स में वो उनकी है। क्लियर हो गया? यस मैम हो गया। अच्छा 97 आ गए हैं। अमीर हमजा आपका अटेंडेंस नहीं लग रही है, आपके वहां पे पोर्टल शायद ब्लॉक है, क्या है प्रॉब्लम आ रही है, चेक किया आपने? अमीर हमजा आप सुन रहे हो? Yes, ma'am. वो माइक ओपन कर रहा था, वो पता नहीं चला। अच्छा मैं बता रही हूँ आपकी ना अटेंडेंस नहीं लग रही है, आप अपना पोर्टल जो है शायद आपका ब्लॉक है, जो भी है उसको इशू रिजॉल्व करवा लो। Yes, ma'am. वो मैंने मेल की हुई है। ठीक है।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है आप देखो अब हमारी क्लास सैटरडे को होती है, देखो होती है कि नहीं होती है, आप ऑफ ना हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम लोग मैम लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा कल मेमोग्राफी वाले लेक्चर की भी। अच्छा कुछ हम कौन कौन से लेक्चर की फर्स्ट की और मैम फोर्थ लेक्चर की कल जो पढ़ाया था कल मेमोग्राफी की बात कर रही हूँ मैम तो शायद कल हमने कौन सा मस्त स्केड्यूल पढ़ा था जी जी मेमोग्राफी की बात कर रही हूँ मेमोग्राफी का मैंने आपको बताया था कि जो दो लेक्चर्स है ना जिनकी नहीं सेंड हो रही रिकॉर्डिंग उनमें एरर आ रहा था, आई डोंट नो कि कौन सा एरर आ रहा है बार बार, तो मैंने आपको बताया मैंने उसकी लिंक जो मेरी गूगल ड्राइव की लिंक है ना उसमें पढ़े हुए सारे लेक्चर्स, तो गूगल ड्राइव की लिंक जो है ना वो मैं LMS के ऊपर जो है शेयर कर दूंगी, बाकी MSK की भी जो है ना मैं वहीं पे लिंक शेयर कर दिया करूंगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग सेंड नहीं हो रही होती ईमेल के थ्रू ना, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप LMS के ऊपर ही जाके ना वहाँ पे लिंक देख लेना, ठीक है, हर चीज़ आपकी अवेलेबल होगी LMS के ऊपर। अभी मैंने आपका असेसमेंट प्लान भी बना लिया है, ठीक है, वो उसमें मैं जो है 5% आपकी क्लास पार्टिसिपेशन मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर, ठीक है, ये तीनों मेरे जो सब्जेक्ट मुझे मिले हैं मस्को स्केटल एक्सट्रीम मैम ओरिजिनल तीनों का जो है ना यही वो होगा असेसमेंट प्लान, ठीक है। फाइनल तो इस दफा 40% है, ठीक है, वाइवा हमारे पास 20% होगा फाइनल का, फाइनल वैसे 60% है जिसके अंदर 20% तो वाइवा है और 40% आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक। आप लोगों ने शायद लास्ट सेमेस्टर में ये दिया भी हो, लास्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ाया नहीं था तो रिटर्न एग्जाम का आपको आइडिया होगा, मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम ही लेना है, कैसे लेना है वो मैं देखती हूँ, ठीक हो गया। मिड टर्म भी होगा आपका जिसमें आपको 20% है, फिर आपके जो बाकी 20% रह गए हैं ना ये तो आपके जो एग्जाम्स कितने हो गए 60 और 20, 80 हो गए, और बाकी जो 20% है वो मेरे पास है सेशनल की, उसमें हम लोग आपकी 5% मैंने असाइनमेंट रखी है, 10% क्विज और क्लास पार्टिसिपेशन 5% जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे ड्यूरिंग क्लास, आपके लास्ट लेक्चर के जो भी क्वेश्चंस होंगे या आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा एक दो क्वेश्चन वो मैं स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह ईद के बाद, मैं साथ यहाँ पे ले आया करूंगी लिस्ट आपकी क्लास की, तो एक दो तीन चार जितने भी बच्चे ने क्लास में एक दो क्वेश्चन ले कर लिए उनके और साथ उसके मार्क्स लगा दिए क्लास पार्टिसिपेशन, ठीक हो गया। ईद के बाद इंशाल्लाह होश में रहना, रोजे भी खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं कभी भी किसी भी का भी नाम लेके जो है ना उनसे क्वेश्चन कर लूंगी, किसी ने ना आंसर दिया तो उसकी जीरो लगेंगे, बाद में ना कहना मिस मेरा माइक नहीं चल रहा था, मेरा ये नहीं हो रहा था, मेरी डाइट गई हुई थी और मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, ठीक हो गया। तो क्लास पार्टिसिपेशन के लिए ना जरा होश में रहना, बाकी कोई सर अब वो आपके LMS के ऊपर मैं MCQ टाइप रख दूंगी और फिर उसके अलावा ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट मैं सोच रही हूँ आप लोगों को ईद की छुट्टियों में दे दूँ, फिर तो हो गया ये ईद खराब कर दी मैम, ईद के बाद दे दें, हेलो मैम ईद के बाद दे दें, ठीक है जी, यस मैम ईद के बाद, ठीक है ईद के बाद ही फिर सब कुछ होगा, ईद तक एंजॉय करो, रोजे रखो, बातें करो, ठीक है। क्लास लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीट की पैथोलॉजीज के, ये अगर हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ लिया ना इन्हीं की पैथोलॉजीज, लिगामेंट्स की क्या पैथोलॉजीज है और क्या कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है आपके पास, ठीक है, कंप्लेंट्स और वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग इन्हीं स्ट्रक्चर्स का अल्ट्रासाउंड करेंगे, हमने हर जो रीजन है ना इसी तरह पढ़ना है, बड़ा आसान है, सबसे पहले एनाटॉमी कवर कर ली, उसके बाद हमने पैथोलॉजी और फिर इन्हीं रीजन्स को आप यकीन करो जो थर्ड लेक्चर होगा ना वो सारा मिलता जुलता सारे रीजन्स का होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा लिगामेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, बार बार यही चीजें देखनी है तीन चार ही, लिगामेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, बोन्स कैसे नजर आ रही है आपके पास जो है, अगर टीयर हो गया किसी के अंदर, ठीक है, वो आपको अपीयरेंस पता है नॉर्मल, तो अगर टीयर होगा तो उसके अंदर ब्लैक लाइन आ जाएगी किस तरह, ये तीन चार स्ट्रक्चर ही आपने बार बार पढ़ने हैं, और जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक है ना वो तो सबकी एक जैसी होगी, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स को आपने कैसे विजुअलाइज करना है, बस ये है कि प्रोब प्लेसमेंट और प्रोब पोजिशनिंग और उसके अलावा पेशेंट पोजिशनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है हर रीजन की, नी के लिए अगर हमने लेटरल साइड देखनी है तो उसके लिए पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे करेंगे और प्रोप कैसे रखेंगे, लंग्स में रखेंगे या वो चीज़ें हैं बस, बाकी बड़ा इजी सा है, और मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड अलग से सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था वैसे, उसके अंदर ही बस एक दो लेक्चर डाल के खत्म कर देना, इतना बड़ा बना दिया इनको क्योंकि इतना ज़्यादा अल्ट्रासाउंड होता नहीं है मस्कुलोस्केलेटल। मैम जी
मैम आपने मुझे अल्लाह में से प्यार नहीं किया. कौन है? फाइका. फैमिली को मैम मुझे भी नहीं ऐड किया मैम. अच्छा मैम लास्ट क्लास में आपको इशू बताया था ना कि मुझे शो नहीं हो रहा सब्जेक्ट एलएमएस पे. अच्छा मैं देख लूंगी मुझे क्योंकि आपको पता है वो ऐड ड्रॉप का चल रहा था जो लिस्ट आई थी उसके बाद कुछ बच्चे ऐड ड्रॉप जब ऐड होते हैं ना तो फिर हमें पता नहीं चलता है तो ईमेल कर दिया करो. मैंने देखा नहीं होगा. बिलाल और फाइका इसके अलावा कोई और जो एलएमएस पे ऐड नहीं है जी. अच्छा, मैम अपनी मुझे मेल तो बता दे मैम. वो जो मेल बच्चों ने बताई है वो मैंने उसपे मैसेज करता तो वो डिलीवर नहीं होती मेल. वो वापस आ जाता है मैसेज डिलीवर नहीं होता. ज़ूम लिंक जी मैम एलएमएस के ऊपर जो है एलएमएस में मैम वो रोल ही नहीं है. ये सब्जेक्ट नहीं शो होते. ओरिजिनल भी है मेरा और ये मस्कुलर स्केलेटन भी है दोनों नहीं शो हो रहे. अब ऐड नहीं हो गया ना एलएमएस पे. जी मैम एलएमएस पे ऐड नहीं हूँ. ठीक है मैं देख लेती हूँ. अच्छा मैंने वैसे वही ऐड किए होते हैं जो ए पोर्टल पे जिनका सारे ए पोर्टल के ऊपर जिनके नेम्स है ना वही फिर मैं एलएमएस के ऊपर रजिस्टर करती हूँ. समटाइम्स नहीं होते तो वो फिर मैं इंडिविजुअली इनको कर देती हूँ. फिर मैं आज आप लोगों का देखूंगी अगर आप ए पोर्टल पे भी आ रहे हो तो मैं कर देती हूँ. ठीक है समटाइम्स होता है ए पोर्टल पे भी नहीं आ रहे हो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए होते सब्जेक्ट आपके. ठीक है वो मैं आपको फिर ईमेल कर दूंगी अगर इस तरह को कोई इशू हुआ तो. बिलाल और फाइका ठीक है मैं देख लेती हूँ. जी मैडम जी ईमेल बता दो. ईमेल बता दो अपनी. मैम ईमेल जरा एड्रेस जरा स्पेलिंग के साथ बता दें ताकि क्योंकि मैंने दो दिन से ट्राई करूं लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं मिल रही थी. मैंने कहा शायद स्पेलिंग का कोई शायद हो. मेरी ईमेल एड्रेस तो मेरे नेम पे ये alpha.mubin alpha.mobin@unp.edu.uk ठीक है ये तो मेरी ईमेल है. बाकी मैं एलएमएस का आपका देख लेती हूँ. वो आप ऐड नहीं होगी इस वजह से आपको जूम की वो नहीं शो हो रही होगी वो भी मैं देख लेती हूँ. ठीक है थैंक यू मैम. चलो ठीक है फिर लेक्चर एंड करते हैं. टेक केयर अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट लेक्चर का मैं आपको ईमेल आ ही जाती होती है छुट्टी अगर हो तो. ठीक है अगर हुई तो ठीक है नहीं तो फिर हम लोग लेक्चर सैटरडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफिज़. ओके मैम अल्लाह हाफिज़. थैंक यू अल्लाह हाफिज़.